हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई एक सोनेट, जो कि सोनेट नंबर 19 है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसका जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको हम देखेंगे। इस पोएम को, यानी कि इस सोनेट को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ हिंदी में देखेंगे और इसके कुछ की फैक्ट्स हैं जिसको कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके की फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो की फैक्ट्स है वह है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जैसा कि आपको इसी से पता चल रहा है, हिज से ही, कि यह दूसरे के द्वारा दिया हुआ टाइटल है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस गिवन बाय थॉमस न्यूटन, इसको थॉमस न्यूटन ने दिया था। और जॉन मिल्टन इसको कब लिखे थे, 1652 में, यानी कि जब वे पूरी तरह से अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, और उस समय उनकी उम्र 44 ईयर की थी, यानी कि 44 साल की थी, तभी वे अंधे हो गए थे। तो यह 1652 से लेकर 55 के बीच में लिखी गई पोएम है। और यह पब्लिश हुई थी मिल्टन्स पोएम में। इसको जो है, इसमें जो पैटर्न यूज़ किया है इन्होंने, जॉन मिल्टन ने, उसको इन्होंने पेट्रार्कर पैटर्न को यूज़ किया है सोनेट का, जो कि ऑक्टेव एंड सेस्टेट है। और इसमें 8 लाइन स्टेंजा होती है ऑक्टेव में, और 16 में 6 लाइन स्टेंजा होता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वह है ABBA ABBA CDE CDE। इसको हम अब अब अभी पढ़ते हैं। और दिस सोनेट यहाँ वाज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और यह पहली बार मिल्टन 1673 पोएम्स में पब्लिश हुई थी। तो इतने की फैक्ट्स आपने देख लिए, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम पोएम को देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। और इसकी जो थीम मुख्यतः है, तो वह थीम है कि ईश्वर ने इन्हें एक पोएटिक टैलेंट दिया हुआ है पोएम कंपोज करने का। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि अगर वे पोएम को कंपोज नहीं करेंगे तो ईश्वर के पास पहुंचने के बाद, यानी कि मृत्यु के पश्चात, ईश्वर उनके उनसे क्या प्रश्न करेगा या उनको डांटेगा फटकारेगा। तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। तो चलिए पोएम को हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। ये रही आपकी पोएम। तो पोएम को देखते हैं, जो फर्स्ट लाइन है इसकी, इसकी इस पहले यही टाइटल था इसका, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। तो यही पहले पहले यही इनका टाइटल था। तो चलिए देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, तो मैं जब भी यह विचार करता हूँ या सोचता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई या चली गई, और हाफ माय डेज, यानी कि मैंने अपने जीवन का आधा ही जीवन जिया था और मेरे आंखों की रोशनी चली गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। तो यह जो संसार, दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह जो संसार है मेरे लिए एकदम खाई के समान हो गया है, या लंबा चौड़ा सा संसार एकदम अंधकार से भर गया है मेरे लिए, यानी कि अब मेरी आंखें एकदम से अंधी हो गई हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक स्किल है या एक गुण है, क्या पोएट्री कंपोज करने का, पोएम कंपोज करने का, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे कि मृत्यु छिपा लेगी, लॉज विथ मी यूजलेस, और यह जो टैलेंट है वह मेरे साथ बेकार चला जाएगा, यानी कि मेरे मृत्यु के साथ ही यह समाप्त हो जाएगा या चला जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है इस कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, और इस गुण के साथ, यानी कि पोएम को कंपोज करके मैं माई मेकर, यानी कि मेरे जो मेकर है, मेरे जो ईश्वर है, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो जब ईश्वर के समक्ष माई ट्रू अकाउंट, मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तब ईश्वर मुझे डांटेगा, फटकारेगा, क्यों कहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसके द्वारा दिए हुए टैलेंट का उपयोग नहीं किया।
डथ गॉड इज एट लेबर लाइट नाइट, तो कहते हैं क्या ईश्वर जो दिन में काम करते हैं जिनके पास रोशनी है उन्हीं के कामों की सराहना करेगा लाइट नाइट, और जो जिनके पास आंखें नहीं है जो अंधे हैं उनको मना करेगा उनकी, या फिर उन्हें उनकी बातों को नहीं सुनेगा। आई फॉन्डली आस्क, तो इसको मैंने बड़ी ही उत्सुकता से स्वयं से ही पूछा, बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, यहाँ पर देखिए जो टर्निंग पॉइंट यहाँ हो रहा है आपका, इसे वोल्टा कहते हैं, और ये जो एट लाइन है ये आपका ऑक्टेव हो गया, ऑक्टेव, और ये आपका सिस्टेट सिक्स लाइन सिस्टेट। इसकी राइमिंग स्कीम भी हम देख लेंगे अभी, पहले पोएम पढ़ लेते हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम अब्बा अब्बा है अभी उसको हम देखते हैं, पहले इसका अर्थ देख लीजिए। तो इसके बाद देखिए, बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने क्या किया, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यानी कि मुझे रोका। क्या, क्यों रोका, क्यों, क्योंकि मैं जो प्रश्न कर रहा था स्वयं से, इतने ढेर सारी बातें मेरे मन में चल रही थी, उसी का उत्तर धीरे से आता है, यानी कि शेख जी ही मेरे पेशेंस ने मुझे दिया। क्या रिप्लाई दिया, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ईश्वर को, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, चाहे वे मैन मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी कोई भी कार्य हो या फिर उसके द्वारा दिया हुआ कोई गिफ्ट हो, उपहार हो। आगे कहते हैं, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, तो ये लोग भी उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं जो उसके आदेशों को केवल धारण किए हुए हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, तो ये लोग उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं जो उसके आदेशों को, उसके द्वारा कही गई अच्छी बातों को सिर्फ धारण किए हुए हैं। हिज स्टेट इज किंगली, और उसका राज्य कैसा है, जैसे कि एक राजा का राज्य होता है, बहुत सारे नौकर चाकर सब लगे होते हैं, उसी तरह से ईश्वर का भी राज्य है, जहाँ थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जहाँ पर ईश्वर के एक आदेश से जल थल, यानी यहाँ देखिए लैंड यानी कि थल ओशन जल और आकाश में बिना रेस्ट किए वे बड़ी ही स्पीड से उनके आदेशों का पालन करेंगे या बड़ी ही स्पीड से उनके कार्यों को पूरा कर देंगे। कौन कर देंगे, जो वहाँ पर उनके देवी देवता हैं, अन्य एंजल्स हैं, वे सब। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल ईश्वर के आदेश को सुनने के लिए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी कोई आदेश मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। यहाँ पर देखिए जो स्पेंट है ये आपकी ए हो गई, फिर वाइट, स्पेंट से नहीं मिल रहा तो ये बी हो गया, फिर हाइट, वाइट हाइट बी से मिल रही है तो बी, फिर उसके बाद आपका मोर बेंट, और यहाँ स्पेंट है तो यहाँ बेंट है, अब इससे किससे मिल रही है, ए से, तो देखिए अब्बा अब्बा हो गया, फिर इसके बाद है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट देखिए बी से मिल रही है, नहीं ए से मिल रही है, तो फिर यहाँ ए, फिर चाइल्ड बी से मिल रही है बी, फिर डिनाइड बी, फिर प्रिवेंट और प्रेजेंट, तो यहाँ ए, यहाँ तक हो गया आपका ऑक्टेव हो गया। फिर यहाँ पर है नीड, तो वाइड और नीड नहीं मिल रहा है, स्पेंट नीड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, और बेस्ट, तो देखिए कहीं पर है बेंट है प्रेजेंट है तो वेस्ट नहीं राइमिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी, फिर हिज स्टेट, स्टेट वेट, देखिए कहीं कुछ है ऐसा नहीं है, स्टेट से भी नहीं, तो यहाँ ई इसको हम दे देंगे, फिर स्पीड यानी कि नीड सी से एम मिल रही है, स्पीड और नीड, तो यहाँ पर हम सी इसको करते हैं, फिर रेस्ट, तो बेस्ट डी से मिल रही है और किसी से नहीं मिल रहा है इसका राइमिंग, तो यहाँ पर हम इसको डी करते हैं, फिर बेट स्टेट और बेट यानी कि ई और ई, इस तरह से आपकी यह राइमिंग स्कीम पूरी बनती है। तो ये आपका सेट सिस्टेट हो गया। आई होप आपको यह पोएम समझ में आई होगी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको यह पोयम समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है पीडीएफ को बनाने में, पोयम को समझाने में। आपको लगता है कि बड़ी ही आसानी से हो जाता है, फ्रेंड्स ये सब इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो के लिए, तब जाके वीडियो बनती है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।